इस बार कितना मनोहर होगा बजट? युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार। किसानों को क्या सौगात देगी सरकार? महिलाओं के लिए खुलेगा बजट का पिटारा। छोटे बड़े उद्यमियों के लिए खुलेंगे द्वार। बजट सत्र पर राज्यपाल के अभिभाषण और उस पर 3 दिनों तक सदन में हुई चर्चा के बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनके पास वित्त मंत्री का भी जिम्मा है, साल 2023-2024 का बजट पेश करने को तैयार है। बजट में हर वर्ग का हित समाहित हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले कई दिनों तक मंत्री, सांसद, विधायक, व्यवसायियों के साथ बैठकें की है। बीजेपी का दावा है कि हर बार की तरह इस बार का बजट भी सर्वांगीण विकास वाला होगा। हरियाणा की जनता की जो आवश्यकताएं हमको ध्यान में आई है, उन सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा बजट हम लाएंगे। हमारे लिए सर्वोपरि है हरियाणा की जनता का एक प्रकार का उनका हित कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। बजट केंद्र का भी बहुत अच्छा आया है, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी दोनों का ध्यान रखा गया, और हरियाणा सरकार का बजट भी 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी रखेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा बजट जो है वो आने वाला है, जिसमें दोनों का यहाँ भी ख्याल रखा जाएगा कि स्टेट की प्रगति भी हो और आम आदमी की प्रगति भी। हालांकि बजट पर सरकार के अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। 23 तारीख को देखेंगे, लेकिन जैसे 8 साल में 2014 से के लग तक जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए निवेश में नंबर एक था, आज बेरोजगारी में नंबर एक है, आज महंगाई में सबसे आगे है, आप खुद देख रहे हैं, आज कहीं विकास का कोई दिख नहीं रहा है आगे कोई भविष्य, और बेरोजगारों के साथ बहुत ऐसा मजाक किया जा रहा है, कोई भी भक्ति होती है हरियाणा के लड़के नहीं है, बाहर के भक्ति की जाए। मनोहर बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी दलील हो सकती है, लेकिन अगर पिछले बजट को याद करें तो 2022-2023 का बजट 1,77,255 करोड़ 99 लाख रुपए का बजट था। सरकार का दावा था इसमें हर वर्ग का हित का ध्यान रखा गया है। खास बात ये थी कि आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं थोपा गया था। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हुई थी। पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान बनाने का ऐलान हुआ था। लड़कियों को बेहतर परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना की शुरुआत हुई थी। जिला परिषदों की निधि का अनुपात 10 से बढ़कर 15% किया गया था। गर्मी की मक्का खरीद के लिए खरीफ के बराबर MSP की घोषणा हुई थी। बीजेपी साल को अंत्योदय परिवार उत्थान वर्ष के रूप में मना रही है, जिसका मकसद गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों की जिंदगी में सुधार लाना है। ऐसे में बजट को लेकर भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार गरीब कल्याण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी। हालांकि अभी इस बात का इंतजार तब तक रहेगा जब तक कि मनोहर सरकार अपना बजट पेश नहीं कर देती है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।